अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार होती है। दो तरीकों से बनती है, एक फ्राई करके और एक बगैर फ्राई किए हुए। आज हम बनाएंगे पेशावर की मशहूर चिकन कढ़ाई। चलिए बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले एक पैन में हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लेंगे। फिर इसमें चिकन जो अच्छी तरह वॉश कर लिया था उसको ऐड कर देंगे। 1 kg चिकन है, ठीक है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसमें 2 tablespoon हम अदरक लहसुन का बारीक पिसा हुआ पेस्ट शामिल करके चिकन के साथ उसकी भुनाई करेंगे, ठीक है। ये चिकन के साथ में भुनाई कर ली है। 4 टमाटर लिए हैं, इसको हम कटिंग करके और इसमें हमने रख के इसको दम पे लगा दिया है ताकि टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए टमाटर 5 मिनट के बाद सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसके छिलके उतार लिए हैं और टमाटर को अच्छी तरह हमने मैश कर लिया है। इतना मैश करना है कि इसका पेस्ट बन जाए, ठीक है। ये देखिए पेस्ट जो है तकरीबन 2-3 मिनट तक इसका रेडी हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाला ज्यादा ऐड करेंगे। चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है और टमाटर भी देखें कितना जबरदस्त ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च 1 teaspoon, जीरा 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, ठीक है, शामिल कर दिया है। और 1/2 cup इसमें हमने दही ऐड कर दिया है। बस इसमें बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स में ये चिकन कढ़ाई रेडी हो जाती है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए हमने इसकी बुनाई कर ली है, बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डालेंगे बारीक कटा हुआ, ठीक है। थोड़ी सी हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे और इसके बाद हम इसमें लेमन के स्लाइस डाल देंगे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार जो है चिकन कढ़ाई।